उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो विंटर एग्ज़ाम जो आपका 2024 के लास्ट में यहाँ पे दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो चुका है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक फॉर्म के रिगार्डिंग, और ऐसे स्टूडेंट जिनका असाइनमेंट में मार्क्स कम थे और जिस कारण उनके जो रिज़ल्ट है वो फेल दिखाया गया, कहने का मतलब है उनका जो असाइनमेंट है वो क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो जिनका एग्ज़ाम आपका, जैसे मैंने कहा कि विंटर एग्ज़ाम आपका होने वाला है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, इनकेस अपना एग्ज़ाम सिटी चेंज करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हो चुका है, आगे मैं वो डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वाले थे या फर्स्ट सेमेस्टर वाले थे, उन स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, किस कोर्स का रिजल्ट आया है मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम असाइनमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हो चुका है। जिन स्टूडेंट के बैक यहाँ पे लगी है, कहने का मतलब है सेमेस्टर में आपकी अगर बैक लगी हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हो, या ऐसे स्टूडेंट, साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का ईयरली मोड पे यहाँ पे एग्ज़ाम है विंटर सेशन में, उनके अगर सेकेंड ईयर में बैक लगी हो तो यहाँ पे वो बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ असाइनमेंट, अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट में बैक लगी है तो ऑनलाइन बेस आप वो असाइनमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान देने स्टूडेंट, जैसे आप असाइनमेंट का फॉर्म फिल कर दोगे उसके 4 या 5 दिन बाद आप ऑनलाइन असाइनमेंट अपना दे सकते हैं, चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो अपना सिटी चेंज करना चाहते हैं, इनकेस उन्होंने सिटी यहाँ पे गलत भरी है एग्ज़ाम सिटी, तो हो भी वो चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से एरिया में अवेलेबल है आपके, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा स्टूडेंट, कहाँ पे ये PDF आपको मिलेगी, वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं अपने प्रिंट में अगर आपने एग्ज़ाम सिटी गलत भर दी है। ध्यान देने स्टूडेंट, ये बैक फॉर्म और एग्ज़ाम सिटी और इम्प्रूवमेंट, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम हैं और अगर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो सेमेस्टर मोड पे हैं, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी आप भर सकते हैं स्टूडेंट। इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट फॉर्म क्या होता है, अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम है, अगर आप दोबारा से उस एग्ज़ाम को देते हैं उसी पेपर का, तो उस बेस पे अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो दोबारा जो पेपर आपने दिया है उस एग्ज़ाम का वो नंबर आपके ऐड होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 25 नवंबर 2024 तक आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट, चाहे बैक फॉर्म की बात करें, एग्ज़ाम सिटी की बात करें और असाइनमेंट की बात करें और इम्प्रूवमेंट फॉर्म की बात करें, इसके लिए आप आवेदन 25 तारीख तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो रिज़ल्ट आपका जो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे BA वालों का, उनका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। जब आप सेशन यहाँ पर चूज़ कर रहे होंगे January 2024, तो BA 23 में बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जिन स्टूडेंट ने दिया था उनका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, आपके जो एग्ज़ाम है दिसंबर के लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को यहाँ पे मिलेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात करें, या ईयरली मोड पर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर वाले थे या बैक जिन स्टूडेंट की लगी थी, उन स्टूडेंट का यहाँ पे जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है जो एग्ज़ाम है आपके दिसंबर 2024 में, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो मान के चलो स्टूडेंट, दिसंबर के मिड या लास्ट में आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके जो एडमिट कार्ड और जो आपकी टाइम टेबल रहती है वो भी यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अनदर क्वेरी आपके तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू दोस्त।